रंगों के त्यौहार होली पर आप सभी को आज़ादी इस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस सुनहरे मौके पर मैं आप सभी को लाइफ मैनेजमेंट के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। यदि आप इसे समझ पाए तो निश्चित तौर पर आज के बाद आपको इस दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा। एक दूसरे से जो शिकायतें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, आपके व्यक्तित्व में एक अभूतपूर्व चेंज आएगा। देखिए, आमतौर पर ये जो त्यौहार है होली, ये एक बहुत बड़ी सीख देता है हमें। इसमें जो रंग हम खेलते हैं, इस रंग को ही लेकर के मैं पूरे लाइफ मैनेजमेंट विषय वस्तु को आपको समझाता हूँ, जो आपके व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी साधक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। आम तौर पे होता क्या है कि हम लोग कई विषयों पर मतभेद रखते हैं, और मतभेद रखें भी क्यों ना, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरे अपना दृष्टिकोण है, आपका अपना दृष्टिकोण है, सामने वाले का कुछ और दृष्टिकोण है। यहाँ पर इतने जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग किसी के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, कुछ लोग किसी के अपना खुद का अलग का दृष्टिकोण रखते हैं। यानी भारत में बहुविधीकृत लोग हैं, बहुविधीकृत दृष्टिकोण, या किसी भी समुदाय समाज हर जगह पर हर तरीके के दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये होता है आमतौर पर। आपके घर में यदि 5 लोग हैं तो 5 लोगों के बीच में भी बहुत सारे मतभेद होते हैं। हमारी विचार हमारे परिवार वालों से नहीं मिलते, हमारे माता पिता से नहीं मिलते, बहुत सारे विषय होते हैं, क्योंकि दुनिया को अपना अपना सबका अनुभव होता है ना, ये चीज़ आप समझते हैं। यानी कि हम ये समझ रखते हैं, जब ये कंडीशंस आती हैं कि हमारे विचार किसी दूसरे के विचार से मैच नहीं करते, तो आम तौर पे हम विरोध पे उतर जाते हैं, सामने वाले को गलत कहने लगते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आज देखिए, देश में राजनीतिक पार्टियों में भी यही होता है कि एक दूसरे के मुद्दे चाहे जितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन समर्थन नहीं होते हैं, क्योंकि अपना अपना पक्ष मजबूत करना होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, चाहे जो कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर मैं बात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की कर रहा हूँ आप लोगों को, यदि इसे समझ पाए तो बहुत आप आज ही आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा। बात यह है कि जब हमारे विचार किसी विचार से मेल नहीं खाते तो हम खींचने लगते हैं, सामने वाले को गलत ठहराने लगते हैं, हम वाइट हो जाते हैं क्योंकि हम सही हैं, सामने वाले को ब्लैक ठहरा देते हैं। यानी हम कहते हैं कि ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, मैं सही हूँ बाकी ब्लैक है, मैं सही हूँ बाकी ब्लैक है, मैं सही हूँ बाकी ब्लैक है, यही होता है, आरोप प्रत्यारोप चालू कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन आप खुद बताइए, क्या ब्लैक एंड वाइट है दुनिया? ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं है, ये दुनिया कलरफुल है। होली में देखते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि मुझे सिर्फ काला रंग लगाओ या सफ़ेद रंग लगाओ, है ना, या भी हम भी किसी को नहीं लगाते, हम तो लाल भी लगाते हैं, नीला भी लगाते हैं, नारंगी भी लगाते हैं, गुलाबी भी लगाते हैं, पीला भी लगाते हैं, सतरंगी कलर लगाते हैं, है ना। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस दुनिया में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई चीज़ सही या गलत नहीं है, ये तो दुनिया कलरफुल है। यहाँ पर जितने विचार हैं सबके अपने अपने रंग हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने रंग हैं, हम भौगोलिक रूप से रंगीन है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, है ना, कहीं पर समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, कितने रंगीन हैं हम भौगोलिक रूप से। जातीय रूप से हम रंगीन हैं, जातीय रूप से आप देखिए कितने रंगीन हैं हम, कितनी जातियां हैं। धर्म के आधार पर कितने रंगीन हैं, सभी धर्म हैं। देखो, धर्म है या फिर जातियां हैं या फिर समुदाय हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, हम किसी के तरीके को गलत या सही नहीं ठहरा सकते, सब रंगीन है, एक रंग है। भारत में तो ये बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, एक बहुविधीकृत संस्कृति जो हमें उपहार में मिली है, हमारे इतिहास ने, हमारी संस्कृति ने दिया है, इसे हमें संरक्षित रखना है, हमें सभी विचारों का रंगीन समझ करके उनका सम्मान करना है, है ना। हम किसी भी विचार को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह सकते, हम अपने विचार को व्हाइट और सामने वाले को ब्लैक न कह करके कलरफुल, है ना, सब रंगीन है, रंग हैं, 500 रंग है, कहीं पर सफ़ेद है, कहीं पर काला है, कहीं पर हरा है, कहीं पर गुलाबी है, कहीं पर नीला है, है ना, कितना अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप ये बात यदि इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ लें कि दुनिया कलरफुल है, सभी के विचार सम्मान रखते हैं, सभी विचार हो सकते हैं, किसी एक विषय पर एक विचार ही नहीं हो सकता, मेरा ही विचार हर जगह प्रभावी नहीं हो सकता है, तो यदि ये बात आप समझ लें तो ये समस्या का समाधान हो जाए, आपको दुनिया देखने का एक नया दृष्टिकोण मिल जाए, है ना। धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा यदि इस विषय वस्तु को आप आसानी से अपने ऊपर आत्मसात करना शुरू कर दें तब, है ना। तो इस दुनिया को हम कलरफुल मानेंगे क्योंकि कलरफुल है, हम सभी के विचारों को मानेंगे क्योंकि सभी के विचार सम्मान रखते हैं, जिस तरीके से हमें अपना विचार सम्मानपूर्ण रखता है वैसे सामने वाले के विचार को भी हमें सम्मान देना होगा। धीरे धीरे यदि आपके विचार में तर्क होगा
आपके विचार में वो क्षमता होगी तो सामने वाला भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो भी सहमत हो जाएगा आपसे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो होली का पर्व ये हमें बहुत बड़ी सीख देता है, ये रंग आप सिर्फ खेले नहीं, एक दूसरे को लगाए नहीं, बल्कि अपने अंदर उतार लें, है ना। यदि आप इन रंगों को अपने अंदर उतार लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी बनेगी जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। आपके अंदर एक अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर एक रंगीन व्यक्तित्व आए, आप कलरफुल बने और आप सभी के विचारों को समझें। रही बात होली की, सब जानते हैं ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई पर जीत की बात करता है। बुराई यानी भक्त प्रहलाद की कहानी आपने सुना ही है, है ना। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये त्यौहार भारतीय कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं होलिका दहन में गेहूं की भी पूजा की जाती है, उसको भी बालियों को लेकर के जाया जाता है। तो ये क्या दिखाता है, देखिए अभी क्या है, फसल आ रही है, नई फसल का स्वागत है, होली के से नई फसल का प्रारंभ हो रहा है। चने की फसल आ रही है, गेहूं की फसल आ रही है, रबी की फसलें आ रही हैं, लेकिन ये फसल पूरी तरीके से पकी नहीं है। होलिका, होली की पूजन, ये होली पूजन पर्व ये दिखाता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए हमें इस पर्व के माध्यम से ऐसा हो कि कुछ दिन के लिए बारिश ना हो, कुछ दिन के लिए ओले ना पड़े, कुछ दिन के लिए पाला ना पड़े, ताकि घर तक, हमारे घर तक सुव्यवस्थित खेतों से कटकर फसलें आ जाएं, पकी फसलें आ जाएं, फसलें बर्बाद ना हो, कृषकों की जो समस्याएं हैं वो समाधान हो, उनको अच्छा जीवन मिले। वो किस तरीके से इस फसल को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत की खाद्यान्न सुरक्षा का भी त्यौहार होली को मना सकते हैं। बाकी जब ओले नहीं पड़ेंगे, पाले नहीं पड़ेंगे, पैदावार बड़ी होगी, फसल बर्बाद नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। तो इस त्यौहार को हम इस रूप पर भी मनाते हैं। इसके अलावा जैसे ही ये फसल कटकर आ जाएगी, नई फसल, इसके बाद खरीफ की फसल का प्रारंभ हो जाता है, धान की कृषि भी प्रारंभ होती है, है ना। ग्रीष्मकाल में जायद की फसल का भी प्रारंभ है। तो बड़ी फसलों का स्वागत है होली, ऐसा छोटा मोटा पर्व नहीं है। तो यहाँ पर आप खूब अच्छे से आनंद कीजिए, रंग लगाइए, रंग खेलिए, अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए, दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरिए, अपने आप को ब्लैक एंड वाइट ना समझकर कलरफुल समझिए। सभी के प्रोस्पेक्टिव, सभी के दृष्टिकोण, सभी के विचार, सभी के मतों को आप अपने अंदर धारण कीजिए, मत लड़िए। क्या होता है इससे, कुछ नहीं होता, सामने वाले का विचार मात्र तो है। अपने विचार को आप तर्कशील बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा, आप उससे ज़्यादा कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो निश्चित तौर पर भारत की इस, ये जो पूरी अनुपम छटा है, इस अनुपम छटा पर निश्चित तौर पर पूरा देश होली मनाएगा ही नहीं, बल्कि मैं आप सभी को जो संदेश देना चाहता था, आप इसे आत्मसात करेंगे, समझेंगे और अपने व्यक्तित्व को बदलाएंगे। एक लाइफ मैनेजमेंट आपके अंदर आना चाहिए, आपको जीवन जीने का तरीका बदलना चाहिए, दुनिया को देखने का तरीका बदलना चाहिए। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को अभी त्यौहार मनाइए, अपने त्यौहार तक ही सीमित मत रहिए, दूसरों का त्यौहार मनाइए, दूसरों में खुशियाँ भर दीजिए और खूब अच्छे से खेलिए। हिंसा मत कीजिए, नशाखोरी मत कीजिए, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, नशे से दूर रहिए। बहुत लोग आमतौर पर होली को नशे का त्यौहार बनाकर रख दिए हैं, नशे से कुछ नहीं होता। आप धुत होकर के पड़े हुए हैं, एक दिन के लिए पीने का त्यौहार नहीं है ये तो किसी और चीज़ का त्यौहार है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को एक नए मायनों पर समझते हैं, इसको मनाते हैं और भव्य जीवन जीते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सभी जाइए, घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होंगे, खाइए, आनंद लीजिए और खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।